सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही तहरीक बेदारी के हंगामी इजलास में शुरका ने मुतालबा किया कि वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर को फौरी तब्दील किया जाए, क्योंकि उनका रवैया दीगर मजाहब के लोगों के साथ नामुनासिब है। मौसूफ दीगर मजाहब के दरमियान हम आहंगी के बजाय दूरियां पैदा कर रहे हैं। इनका ये इकदाम उनके मनसब के मुनाफी है। इनकी वजारत के जेर एहतमाम इस्लामाबाद में जबरी तब्दीली मजहब के हवाले से मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मसीहियत और हिंदू मत समेत दीगर मजाहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर एहतजाज करते हुए मसीही शुरका ने तकरीब का बायकॉट कर दिया और हॉल के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुतलका वजीर को बरतरफ ना किया गया तो तमाम मसीही सियासी समाजी तंजीमों की मशावरत से एहतजाज मुजाहरा करेंगे। इजलास में मरकजी चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी, सूबाई सदर शहजाद इमरान सोहतरा, चेयरमैन एक्शन कमेटी डॉक्टर एलवन जॉर्ज, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आमिर गिल, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी रफीक अंजम और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की।